हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, ओप्पो A57 में कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे करते हैं। आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, एक साथ में ग्रुप में आप जितने मर्जी लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जैसे कि हम एक ग्रुप में बात करते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है डायल पैड में। डायल पैड में जाने के बाद आपको वहाँ पे एक नंबर डायल करना है। नंबर है कोई सा भी, आप नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला नंबर ले लिया है, उसके बाद यहाँ डायल कर दिया है। अब मैं आपको बड़ी स्पीकर करके दिखा देता हूँ। में आपका स्वागत है। तो गाइस, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फिर से आप कोई सा भी नंबर ऐड कर सकते हैं या कॉन्टेक्ट में जाके आप कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। बट मैं डायल करके ही नेक्स्ट नंबर, मैं आपको दूसरा नंबर भी डायल करके यहाँ पे देता हूँ। तो देख सकते हैं दूसरा नंबर है जो कि होल्ड में आ गया है और ये चालू हो गया है। तो इसको मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये ऑप्शन कॉन्फ्रेंस का, और ये हमारा कॉन्फ्रेंस हो चुका है। भाषा चुने, हिंदी के लिए एक दबाए, पंजाबी लाई दो दबाओ, फॉर इंग्लिश रुपया रहने वाले विकल्प को डायल करें या हमारे दोहराने तक इंतजार करें। मोबाइल सेवाओं के लिए एक दबाएं, एक्सट्रीम फाइबर डायल करें या हमारे तीन दबाएं तक इंतजार करें। तो गाइस, आप देख सकते हैं एक साथ में कई लोग, मतलब आप कर सकते हैं, और भी यहाँ पे जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं, आप चाहे जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ आप तीन लोगों को मर्ज कर दिया, यानी कि तीन बार मैंने तीन लोगों को कॉल किया है, तीन लोग यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। आई पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जितने मर्जी लोगों को ऐड कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट में भी जा करके, कहीं भी जा करके, लेकिन यहाँ से क्लिक करके ही ऐड पे जाइएगा। तो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।